सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। तो भाई आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और वीडियो होने वाली है अपनी टीवीएस रॉनिन के ऊपर ही, कि भाई हमने क्यों बाय करी टीवीएस रॉनिन। ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपको भी बाय करने चाहिए, और मैंने क्यों करी, क्या कुछ मेरे को लगा इसके अंदर, तो डिटेल में बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो में बने रहना, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है भाई अपनी टीवीएस रॉनिन का ऑयल कूल्ड इंजन, जो कि भाई 225 सीसी का है, ऑलमोस्ट 226 सीसी का है, 25.9 सीसी का इंजन है, जो कि बहुत बढ़िया बीएचपी और टॉर्क वगैरह प्रोड्यूस करता है, जिससे कि भाई अपना लॉन्ग टूर वगैरह के, जैसे जो जो शौकीन है भाई बंदे लोग, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो है ये स्क्वायर शेप का इंजन रहने वाला है भाई, जो टीवीएस वालों ने बहुत बढ़िया एक रिफाइंड इंजन बनाया है, और बहुत बढ़िया ट्यून करके बनाया है, जिससे कि भाई टूरिंग वाले, जो टूरिंग के लवर्स हैं बेसिकली, उनके लिए ये अपनी टीवीएस रॉनिन है। और काफ़ी अच्छा एक इसमें मेरे को चीज़ लगी, जो कि मैंने इस चीज़ को देख के बाय किया अपनी टीवीएस रॉनिन को। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। आ जाते हैं भाई सेकंड पॉइंट की तरफ को। तो इसमें जो सारी जो एलईडी लैंप्स वगैरह, टेल लैंप है और हेड लैंप है, वो सारी दे रखी है भाई एलईडी, एलईडी सेटअप है सारा, ओवरऑल आगे भी और पीछे भी सारा जो इसमें दे रखा है वो दिया हुआ है भाई, फुली एलईडी सेटअप है प्रॉपर। तो जिससे कि मेरे को बहुत बढ़िया लगा ये चीज़, कि भाई बढ़िया है, एलईडी सेटअप है, और ज़्यादा कुछ मेरे को बाहर से कराने की ज़रूरत है नहीं इसमें। बाकी अलग से लाइट वगैरह तो वो एक अलग बात हो गई फॉग लैम्प वगैरह की, बाकी जो प्रॉपर वैसे लाइट वगैरह की मैं वीडियो बना दूंगा, कि कैसे कुछ जो फ्रंट इसकी जो हेडलाइट है वो कैसे काम करती है रात के समय में, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे हम लोग। गाइस आते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट की तरफ को, जो कि है भाई इसका राइडिंग पोजीशन। इसकी राइडिंग पोजीशन इतनी बढ़िया है, जिससे कि आप भाई जब बैठोगे इसके ऊपर, तो भाई इसका जो हैंडल बार है वो काफ़ी चौड़ा सा है, और आपकी जो है जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट रहती है, जिससे कि आपको भाई लॉन्ग टूर वगैरह में कोई दिक्कत वगैरह नहीं पड़ती है। आप जब लॉन्ग टूर करते हो इसमें आराम से भाई आप 400-500 किलोमीटर इजीली खेच सकते हो इन अ डे, तो ये लॉन्ग टूर के लिए बहुत बढ़िया, और भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है चलाने में भी, और इसको मनोवर भी इजीली आप कर सकते हो, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, जिससे कि भाई आपका जो ट्रैफिक वगैरह है, और आप ट्रैफिक वगैरह में भी बहुत बढ़िया से इसको चला सकते हो। तो भाई थर्ड पॉइंट ये था हमारा। तो आते हैं भाई फोर्थ पॉइंट की तरफ को, जो कि है भाई इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, जो कि आपको ना कि हंटर वगैरह में और भी किसी बाइक में वगैरह में ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं, जो अपनी टीवीएस रॉनिन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो भाई अपना जो है वो इसमें डीटीई दे रखा है, डीटीई यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, तो पता चल जाता है भाई जो टूरिंग वगैरह करते हैं, और भी जैसे सिटी में भी हम लोग राइड कर रहे हैं, तो पता रहता है कि भाई कितनी चलने वाली है। तो ये बहुत अच्छा एक बढ़िया फीचर है। साइड स्टैंड फीचर वाला, सेफ्टी वाला भी अपने को मिल जाता है इसके अंदर, सेफ्टी जो है सेफ्टी फीचर भी अपने को मिल जाता है इसके अंदर। बाकी एबीएस वगैरह है वो भी काम बढ़िया अच्छे से करता है, और अपने को यहाँ पे गियर वगैरह का भी दिया हुआ है इंडिकेशन, और दूसरा भाई इसमें जीटीटी वगैरह दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, मतलब फीचर्स वगैरह फीचर लोडेड है बेसिकली अपनी टीवीएस रॉनिन, जिस वजह से भाई मैंने इसको बाय किया, और आप भी भाई कर सकते हो। और अब आते हैं सीधा अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ को। तो भाई है इसका एग्जॉस्ट नोट, जो भी भाई एग्जॉस्ट नोट है अपना टीवीएस रॉनिन का, जो जो भाई अपने एग्जॉस्ट वगैरह के शौकीन है, जो अलग से लगाते हैं आफ्टर मार्केट, और भी भाई अलग से पता नहीं क्या कुछ करने लगते हैं, तो उन लोगों के लिए भी है कि भाई इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो एक बार हम लोग आपको सुना देते हैं। गाड़ी हमारी स्टार्ट है न्यूट्रल पे, इसको किल स्विच ऑफ करते हैं। देखिए अब आप, तो भाई बहुत बढ़िया एग्जॉस्ट नोट है इसका। तो एक ये वाली चीज़ भी थी, मैंने टॉल्क भी इसीलिए ली थी क्योंकि आवाज़ बहुत प्यारी लगी भाई, बाय कर ली, दिल आ गया उस पर, और सेम ऐसे ही है। और जब ये भाई चलती है तो लोगों की रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया है, बहुत ही प्यारी है अपनी टीवीएस रॉनिन की। बाकी अभी ये लोड कराएंगे इसको तो और भी बढ़िया लगने वाली है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की वीडियो भी आएंगी इसमें। तो भाई ये कुछ थी अपनी टीवीएस रॉनिन के 5 पॉइंट्स, जो कि मेन पॉइंट मेरे को लगते हैं भाई, मैंने इसी चीज़ों की वजह से जो है अपनी टीवीएस रॉनिन को बाय किया है। और अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो भाई ले सकते हो, क्योंकि बेटर ऑप्शन है भाई इस वाले सेगमेंट में और इस वाले प्राइस रेंज में, ऐसा कुछ आपको फीचर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को नहीं मिलती है, ऐसी टेक्नोलॉजी जीटीटी वगैरह है और अपनी काफ़ी सारी फीचर्स है इसमें, जो कि आपको और सेम प्राइस रेंज की उसमें देखने को नहीं मिलते हैं, और आपको काफ़ी अच्छा इंजन मिल जाता है, रिलायबल इंजन मिल जाता है, 5.9 सीसी का इंजन है बेसिकली। तो ये आप चीज़ें देख सकते हो, और वीडियो भाई इस प्रकार से थी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और सब्सक्राइब द चैनल, भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपके भाई का ही चैनल है रमन सागर व्लॉग्स। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सेफ राइडिंग, ओके बाय। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी।